मेरे सामने खड़ी है होंडा एविएटर जो कि 2015 का मॉडल है। इस पर लगाई जाएगी सीट। तो ये गाइस अपने एडजस्टर वाले क्लच एंड लीवर जो कि ओरिजिनल मॉक्सी के हैं, ये देख सकते हो आप। इसकी फिंगर के कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्विच लीवर गार्ड्स पर लगा रहे हैं, हैंड ग्रिप वाला पार्ट तो रबड़ का है लेकिन गाइस ये वाला पार्ट मेटल का है। देखो जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो लिया गया ब्लैक और व्हाइट का, यहाँ पर एक डिजाइन और बना दिया गया जो कि आपका साइड स्टैंड फुल्ली कंफर्टेबल है और डिजाइनिंग इसमें बहुत सारी है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त लिया आपके लिए कौन है टॉपिक एक और नया वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है होंडा एविएटर जो कि 2015 का मॉडल है और इसमें जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन रहेगी ये नहीं है, इस पर लगाई जाएगी सीट। सीट इसकी बनने गई हुई है, जब बन के आई वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये है गाइस अपने एडजस्टर वाले क्लच एंड लीवर जो कि ओरिजिनल मॉक्सी के हैं, ये देख सकते हो आप। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखो इसमें ये फिटिंग दे रखी है। इसकी नंबरिंग आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, अपनी फिंगर के कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो कि आपको कहाँ पर इसको रखना है तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो गाइस ये हैं आपके लीवर गार्ड्स जो कि कुछ आपके इस तरीके से लगेंगे, जिससे कि इन केस कभी अगर आपका स्कूटी गिरेगा ना तो आपके क्लच एंड लीवर टूटेंगे नहीं, सेफ रहेंगे। प्लस आपकी जो स्कूटी की और अगर अपनी बाइक में लगाते हो तो आपकी बाइक की खूबसूरती बढ़ जाती है। पर गाइस यहाँ पर लगा रहे हैं हैंड ग्रिप जो कि दिखने में आपको लग रही होगी सिंपल सी, बट ये सिंपल सी नहीं है। यहाँ पर तो देखो ये वाला पार्ट तो रबड़ का है लेकिन गाइस ये वाला पार्ट मेटल का है देखो इसका, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा है। और यहाँ पर आपको रेजोमा की ब्रांड भी देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से, कलर से बहुत सारे मिल जाएंगे डिपेंड योर चॉइस कि आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें सिंटेक का हज़ार लगा रहे हैं जिसमें आपको 40-50 तरीके के डिज़ाइन मिलेंगे, प्लस साथ ही में लगाएंगे एलईडी बल्ब ताकि आपको जो हज़ार है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और फास्ट फास्ट के पैटर्न भी वर्क करे। और ये है भैया जिनका ये स्कूटी है, ये कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। थोड़ा इसको मुजफ्फरपुर बिहार से हैं स्पेशली, नहीं यहाँ यहाँ कहाँ से आए फिलहाल? यहाँ पे तो अभी मैं इंद्रपुरम से आया हूँ। इंद्रपुरम से आप यहाँ रैंडमली आए हो कैसे आओ? यार भाई कहीं चैनल देखे थे उसी पे से थोड़ी बहुत इसके बाद नॉलेज मिली स्टिकर्स के बारे में, तो फिर मैंने यहाँ भेजे। गाइस एक वीडियो और है एविएटर की जो कि काफ़ी मॉडिफाइड है, वो भी आप चैनल पे जाकर देख लो ना, बाकी ये वीडियो आप देख ही रहे हो। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे काम और भी किए गए। और भैया एक बार आप बता रहे थे कोई चैनल वगैरह भी है आपके, भैया का चैनल भी है? मेरा चैनल खुद का भी है सिंह एंड मोटो ब्लॉग के नाम से, जिसमें मैंने मोटो ब्लॉग या कहीं भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाता हूँ तो उसको विजिट करके वहाँ के कंटेंट में उस पर अपलोड करता हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ भी विजिट करके वो कंटेंट को देख सकते हैं। भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? बाकी लिंक वगैरह हो सका तो मैं इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना एक बार, देखना कैसा अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? और अगर आप यहाँ देखोगे ना यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर जो इसके आपके बैक साइड के जो इंडिकेटर थे यहाँ पर रैपिंग कर दी और कटिंग कर दी जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा है, ये देखो भाई। और इसके अलावा इसमें लगा रहे हैं डबल एलईडी वाले मिरर, यानी कि जो ये है कंपनी वाले मिरर, इसमें ऐसे मिरर लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के मिरर लगाएंगे इसमें, जिसमें आपको इस तरफ भी इंडिकेटर मिलेगा और इधर से दिखा दोगे और इस तरफ भी आपको जो है इसमें एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस अभी सारी एक्सेसरीज ऐड कर लेता हूँ, सीट आपको फाइनल पे दिखाऊंगा और सारी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा फाइनल पे, कि फाइनल पे मॉडिफिकेशन के बाद कैसा आपकी स्कूटी में लुक आता है। सो गाइस मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट और मॉडिफिकेशन होते होते हो गई थी काफ़ी रात, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अगले दिन। बट जो मॉडिफिकेशन हुई है ना वो यार काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी हुई है जो कि आप देख सकते हो। और कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं, सबसे पहले इसमें लगा है हॉर्न। सोलेंस की जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, प्लस इनकी गारंटी भी होती है। तो पहले मैं साउंड सुनाता हूँ क्योंकि हर बार मैं साउंड सुनाना भूल जाता हूँ, तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको सुनाता हूँ साउंड हॉर्न का कैसा है। सो गाइस फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा ही डिसेंट सा लुक देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो लिया गया ब्लैक और वाइट का, जो कि कुछ इस तरीके से ग्राफिक का बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया काफ़ी फिनिशिंग के साथ। सो गाइस अगर आप हेडलाइट पे देखोगे ना, हेडलाइट पे इससे लास्ट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें सिंगल डिजाइन था, यहाँ पर एक डिजाइन और बना दिया गया जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये होते सारे वाटरप्रूफ, प्लस जब आप चाहो इसको हटा सकते हो इजिली, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन वाइट कर दिया गया है और ये ऑफिशियली ब्लैक ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो यहाँ से। और यहाँ पर जो है एक लोगो लगा हुआ जो कि पहले से लगा हुआ था महाकाल का, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मॉम इज वेटिंग। यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिकेटर पे यहाँ पर जो डिजाइनिंग दी गई है ना वो काफ़ी डिसेंट सी है, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है यहाँ से इस तरीके से, आप देख सकते हो। बट यहाँ से इसको शॉर्ट करके बट काफ़ी यूनिक सा दे दिया है। तो एक बार इसको भी मैं ऑन करता हूँ, और इसमें डाल रखा है हज़ार सिस्टम, और हज़ार सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करना है, जो मैंने शायद बताया था आपको, इस तरफ और इस तरफ, और बीच में दबाओगे ना लेकिन फास्ट फास्ट, और सुबह जितनी बार आप इसको दबाओगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ये देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरीके से वर्क करते हैं। देखो
अभी दिन का समय है, फोकस और ब्राइटनेस इतनी पता नहीं चलेगी, लेकिन ये है कि आइडिया के लिए आपको पता चल गया होगा इस। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एलईडी बल्ब देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे 40-50 और एलईडी बल्ब है, यानी कि एक तो खुद ही एलईडी बल्ब है और इसके अंदर भी छोटे छोटे 40-50 एलईडी बल्ब हैं। और आपका हैजार्ड तभी काम करता है जब आप इस तरीके के बल्ब लगवाते हो, वरना मज़ा नहीं आता। मतलब काम तो करेगा लेकिन पैटर्न वर्क नहीं करता ढंग से, तो ये भी एक चीज़ हो गई। और यहाँ पर बैक साइड में आप देखते हो इंडिकेटर पर सेम डिजाइनिंग दी गई है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी ले लिया गया है वाइट में, ये देखो, जो कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो ये तो हो गया ग्राफिक का आपका, ये देख सकते हो, मतलब वाइट और ब्लैक का जो ग्राफिक का जो लुक दिया गया वो काफ़ी अच्छा गया है। और नियॉन, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो नियॉन कलर की स्ट्रिप्स लगा दी गई हैं अलॉय व्हील पर, जो कि कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, ये देख सकते हो। और रात के समय में हल्का सा ये रिफ्लेक्ट भी करती है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर जो बल्ब आते हैं ना, तो वो डाल रखे हैं ब्लू कलर के, और ये चेंज है, ये एलईडी वाले बल्ब होते हैं, ये देख सकते हो। ये देखो, ये नॉर्मल इंडिकेटर पर कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। गाइस बल्ब इसका भी चेंज है, अभी दिन में इतना विजिबल नहीं होगा, और यहाँ पर स्मोक ग्रे कलर की जो है रैपिंग कर दी है, जिसे लैमिनेशन कह सकते हो, तो वो जिससे क्या है कि स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं पड़ते। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्राफिक की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ओरिजिनल मॉक्सी के एडजस्टेबल क्लच एंड लीवर, जिसको आप स्विच करके अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ रखना है। ये दोनों साइड में ये मेटल में होते हैं, कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं इसमें, गोल्डन मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, ब्लैक आप देख सकते हो, रेड भी है, बाकी कुछ इस तरीके से ये लुक देते हैं, ये दो गाइस। और इसमें जो मॉडिफिकेशन है ये काफ़ी हद तक नई है, शायद आपने यूट्यूब पर पहली बार देखे हो, या फिर इस तरीके की मॉडिफिकेशन बहुत कम देखने को मिल जाती है आपको, वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। सो गाइस अगर नॉर्मल इंडिकेटर दूंगा ना, तो ये देखो, ये तो है मिरर, लेकिन इस मिरर के अंदर बेस्ट चीज़ आपको इस साइड में भी इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, प्लस इस साइड में भी इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा। और अभी है दिन का समय, रात के समय में जैसे जैसे होती रहती है ना रात, वैसे वैसे इसका फोकस और ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, ये देख सकते हो। तो ये तो हो गए आपके एलईडी वाले मिरर, प्लस ये होते हैं वाटरप्रूफ, और आपकी बैटरी पे भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। और गाइस यहाँ पर लगा दिए हैंड ग्रिप रिजोमा की, जो कि काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको 12 मिल जाते हैं मेटल में इसके साथ में, ये देख सकते हो, सेम इधर भी है। और गाइस इसके हेडलाइट के अंदर लगा दिया है नाइट आई का बल्ब, पहले जो बल्ब लगा हुआ था उसको हटाकर इसमें लगा दिया है नाइट आई का बल्ब, और नाइट आई का फोकस बताने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई होता है गाइस। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो 1, 2, 3, ये देखो गाइस यहाँ पर लगाया एडजस्टेबल वाला आपका साइड स्टैंड, ये एडजस्टेबल आप किसी भी एंगल में इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसकी अलग अलग फिटिंग्स होती हैं, आप शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पे करता है डिपेंड, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो गाइस।